हेलो स्टूडेंट्स मैं उसीकेशा मैडम आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस लैंग्वेज तो चलिए देखते हैं ये डेटाबेस लैंग्वेज होता क्या है डेटाबेस लैंग्वेज प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस इंटरफेसेस फॉर ईच कैटेगरी ऑफ यूजर्स जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स तो हर यूज़र अप्रोप्रिएट डेटा बेस लैंग्वेज यूज़ करता है डेटा बेस कोेरीज डेटा बेस क्वेरीज के लिए और अपडेट्स के लिए तो डेटा बेस लैंग्वेज आर यूज टू क्रिएट एंड मेनटेन डेटा बेस ऑन कम्प्यूटर तो कंप्यूटर में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डेटा बेस और उसको मेनटेन भी कर सकते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि जैसे कि ओरैकल है माइस क्यूल है एम एस एक्सेस है डी बी ए है फॉक्स प्रो है नेक्स्ट देखते हैं डेटा बेस लैंग्वेज उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है तो पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे हम डी कहते हैं दूसरा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम डी कहते हैं तीसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसे हम डी कहते हैं और आखिर में है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम टी कहते हैं तो चलिए देखते हैं पहला देखती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी डी एल इज़ यूज बाई डी बी ए डी जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखा उसका मतलब है डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा बेस डिजाइनर्स यूज टू तो स्पेसिफाई द कंसेप्शल स्कीमा ऑफ द डेटा बेस तो ये क्या करता है स्कीमा डिफाइन करता है डेटा बेस मतलब उसका स्ट्रक्चर इट इज़ द लैंग्वेज दैट अलाउज द यूजर्स टू डिफाइन द डेटा एंड द रिलेशनशिप टू द अदर डेटा उसके साथ उसके रिलेशनशिप अदर डेटा के साथ क्या है नेक्स्ट है इन मेनी डी बी एम एस द डी डी एल इज़ यूज टू डिफाइन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कीम ऑफ यूज और डेटा बेस डिज़ाइनर्स डिज़ाइनर्स को डिस्क्राइब करता है जैसे कि एंटिटीज एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप एप्लीकेशन के लिए और उसके साथ में इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी कंस्टेंट्स भी है तो पहले कमांड्स हम देखते हैं डी डी एल कमांड्स में फर्स्ट है क्रिएट है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है डेटाबेस में दूसरा है अल्टर जो स्ट्रक्चर को अल्टर करता है चेंजेस करता है ड्रॉप मतलब डिलीट करता है डेटाबेस में तीसरा है ट्रंकेट जो रिमूव करता है रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स मतलब वो जो है वो रिमूव करता है रिकॉर्ड टेबल में से नेक्स्ट है कमेंट जो ऐड कमेंट करता है और री जो ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है तो ये जो डी डी एल कमांड्स है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए है नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम डी सी एल कहते हैं तो डी सी एल क्या करता है डी सी एल मतलब जो डेटा को कंट्रोल करता है डी सी एल इज़ यूज टू कंट्रोल द डेटा एक्सेस अथॉरिटी इन द डेटाबेस तो डेटाबेस में डेटा uh, को कंट्रोल कैसे करता है तो उसके सिंटैक्स इट सिंटैक्स सिमिलर टू द कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज इज यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस उसको ऑथराइजेशन देते हैं कि उसको कंट्रोल कैसे करना है जिसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसकी कमांड्स हम देखते हैं उसके दो कमांड्स है पहला तो है ग्रांट और दूसरा है रिवोक तो ग्रांट क्या करता है यूज़र के यूजर uh, को प्रिवलेज देता है ग्रांट करता है और दूसरा जो है रिवोक जो है वो विड्रॉ करता है जो भी ग्रांट ने जो कमांड्स uh, उसको प्रिवलेज दिए हैं उसको वो फिर से विड्रॉ करता है जिसे हम लोग रिवोक कहते हैं तीसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसे हम डीएमएल कहते हैं तो इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डेटा रिट्रावल्स एंड अपडेट्स तो हम लोग क्या कर सकते हैं डी यूज़ करके हमने जो भी क्वेरी किया है फायर तो उसको हम लोग डेटा uh, रिट्राइव कर सकते हैं उसके बाद उस दिखाया है कि इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेशन तो जो भी मैनिपुलेशन है डेटा में हम को कुछ भी ऐड करना है रिमूव करना है तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैनिपुलेशन जो है वो हम लोग डी के डी के द्वारा हम कर सकते हैं इट इज़ अ स्टैंड अलोन कमांड्स दैट इज़ यूज टू बी अप्लाइड इन अ क्वेरी लैंग्वेज उसकी कमांड्स देखते हैं पहला तो है इंसर्ट इंसर्ट मतलब जो भी हम रो uh, हमको न्यू इंसर्ट करनी है एग्जिस्टिंग टेबल में तो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है डिलीट uh, जो डिलीट करता है रिकॉर्ड्स टेबल में से नेक्स्ट है सिलेक्ट सिलेक्ट मतलब जो हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं उस डेटा में से इट यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटा हम लोग रिट्राइव करते हैं उससे जो भी हमने डेटा सेलेक्ट किया है रिट्राइव होता है अपडेट मतलब इट अपडेट्स द एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल जो भी हमको अपडेट्स उसमें करने हैं वो एग्जिस्टिंग टेबल में हम लोग अपडेट कर सकते हैं आखिर में हम देखते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टी सी एल जिसे हम कहते हैं तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल मतलब हम लोग जो ट्रांजेक्शन है उसको कंट्रोल करना है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आर यूज टू मैनेज द ट्रांजेक्शन्स मैनेज द ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस तो जो भी डेटाबेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हमको मैनेज करना है तो ये टी करता है तो दे आर यूज टू मैनेज द चेंजेस मेड बाय द डीएमएल डीएमएल में जो जो चेंजेस हो गए हैं उसको मैनेज करना है तो जो जो एडिशंस हो गए डीएमएल हमने देखा है उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए वो उसको मैनेज करता है इट अलाउज स्टेटमेंट्स टू बी ग्रुप टुगेदर ग्रुप टुगेदर इन लॉजिकल ट्रांजेक्शन्स तो कैसे करता है ग्रुपिंग <coughs> तो उसकी ये तीन कमेंट्स है पहले तो है कमिट कमिट जो है इट इज़ यूज टू परमानेंटली सेव यह जो परमानेंट सेव करता है जो भी ट्रांजेक्शन हो गई डेटा में दूसरा तो है रोल बैक रोल बैक मतलब इट रिस्टोर इट रिस्टोर दी इट रिस्टोर द डेटाबेस टू तो द लास्ट कमिटेड स्टेट मतलब जो जहाँ तक हमने सेव किया है वहाँ तक वो फिर से रोल बैक कर सकता है वापस जा सकता है इट इज़ यूज विद द सेव पॉइंट ये सेव पॉइंट के साथ यूज़ करता है जो नीचे दिया गया है सेव पॉइंट उसके साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं तो सेव पॉइंट इट इज़ यूज टू टेम्परली सेव ये टेम्परेली सेव के लिए है और कमिट जो है वो परमानेंट सेव के लिए है सो दैट रोल बैक टू द पॉइंट वेन एवर नेसेसरी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू